फ्लैट बैक सिंड्रोम में आपकी बैक में पेन होता है, आपकी जो स्पाइन है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, आपका पोस्चर बिगड़ जाता है और उम्र भी कम हो जाती है। जानना चाहते हैं इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है, तो मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहें। हमारा जो पहला आसन है उसका नाम है स्पिनिक्स पोज, जिसे हम सलम भुजंग आसन कहते हैं। इस आसन के लिए आपको अपने मैट पर पेट के बल लेटना है। एक्सटेंड योर फीट फ्लैट टू द आउटसाइड, प्लेस योर फोरआर्म्स पैरेलल टू ईच अदर एंड व्हाइल इनहेलिंग लिफ्ट अप योर अपर बॉडी मैक्सिमम एज मच एज यू कैन। Move forward your forearms and see in front. While breathing, count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and relax and come back. इस आसन से आपकी स्पाइन में फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ स्ट्रेंथ भी आएगी और आपकी जो बैक है जो कि नॉर्मली कर्व होती है वो फ्लैट होने की वजह से आपका पोस्चर खराब कर देती है, तो ये आसन आपके पोस्चर की इम्प्रूवमेंट में भी बहुत हेल्प करेगा। अब हम यहीं से करते हैं अपना दूसरा आसन जिसका नाम है लोकस्ट पोज, यानी कि सलभासना। इस आसन के लिए भी आपको अपने मैट पर पेट के बल लेटना है। पेट के बल लेटिए और अपने दोनों आर्म्स को हिप्स के साइड में रख दें। इनहेल करते हुए लिफ्ट योर शोल्डर्स अप, योर चिन, योर चेस्ट, योर लेग्स, your feet are together, your hips are together, your thighs are together. Keep breathing. अब हम यहीं से काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and relax. अब हम करते हैं अपना आखिरी आसन यानी कि थर्ड आसन जिसका नाम है सेतुबंध पोज, जिसे हम ब्रिज पोज भी कहते हैं। इस आसन के लिए आपको अपने मैट पर अपनी बैक पर लेटना है। लिफ्ट कीजिए ऊपर की तरफ, मैक्सिमम लिफ्ट कीजिए एज मच एज यू कैन। कीप ब्रीदिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and relax. ये तीनों आसन बहुत ही इफेक्टिव हैं और आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी में हेल्प करेगा, आपकी स्पाइन को स्ट्रेंथ देगा और साथ ही साथ जो आपकी बैक है जो कि फ्लैट हो चुकी है इस प्रॉब्लम के कारण उसे नॉर्मल करने में हेल्प करेगा। अब हम बात करते हैं कि इन आसनों में मिनिमम आपको कितने सेकंड्स होल्ड करना है और मिनिमम इन्हें कितनी बार रिपीट करना है। अगर आप बिगनर हैं तो मिनिमम 20 सेकंड्स के लिए इन आसनों में होल्ड करें और इन्हें 3 बार मिनिमम रिपीट करें। अपनी डेली प्रैक्टिस के साथ, अपनी कैपेसिटी के साथ आप इन आसनों के होल्ड को बढ़ा सकते हैं और इनके रिपीटेशन भी बढ़ा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के शेयर कीजिए कि आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव थी या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद न्यू टॉपिक। मित्र जनों, जन कल्याण हेतु हो रहे पुण्य कार्यों में व समस्त मानव जाति को स्वस्थ रखने की दिशा में हम योग संस्थान को सहयोग देने के लिए आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें। राधे राधे।